काशीपुर में आज उत्तराखंड के पूर्व राज्य मंत्री के साथ साथ नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन तथा वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मुकेश मल्होत्रा का आज अचानक हृदय गति रुकने से निधन हो गया। मुकेश मल्होत्रा के निधन की खबर मिलते ही नगर के कांग्रेसियों समेत तमाम जनप्रतिनिधियों और आम जनता में शोक की लहर दौड़ गई। कांग्रेस पार्टी के तमाम पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने उनके आवास पर पहुंचकर उन्हें पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की ठाकुर द्वारा विधानसभा के विधायक एवं मुकेश मल्होत्रा के करीबी नवाब जान भी उन्हें श्रद्धांजलि देने उनके घर पहुंचे। स्थानीय शमशान घाट में उनके पुत्र ने मुखाग्नि दी। मल्होत्रा के निधन से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। मानते हैं आज देखिए हमारे काशीपुर कांग्रेस परिवार को एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। ऐसी क्षति कि मुझे लगता है कि शायद उसकी भरपाई आसानी से नहीं हो पाएगी। पूरा का पूरा कांग्रेस परिवार के साथ साथ आज इस सम्मानित पूरी की पूरी काशीपुर विधानसभा मुरादाबाद से भी आप ठाकुर द्वारा से विधायक साहब भी यहाँ पर हैं, आसपास के सभी लोग बहुत दुखी हैं और हम लोग इसको एक बहुत बड़ी क्षति मानते हैं कि ईश्वर ने ऐसा क्यों किया। तो आज निश्चित रूप से जो ये क्षति हुई है उसको पूरा करना आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी ईश्वर की मर्जी है। हम उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे और पीछे परिवार को ये अपार दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। देखिए श्री स्वर्गीय श्री मुकेश मल्होत्रा जी युवा कांग्रेस से कांग्रेस के एक सच्चे सिपाही की तरह रहे। इंदिरा गांधी जी ने जब जेल भरो आंदोलन चलाया तब भी आपने 15 दिन तक जेल भरो आंदोलन में आप जेल में भी रहे। उसके बाद युवा कांग्रेस में आप उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक था तो यूथ कांग्रेस से आपने राजनीति शुरू करी। उसके बाद 97 में काशीपुर नगर पालिका का चेयरमैन लड़कर आप नगर पालिका के चेयरमैन वहाँ पर बने काशीपुर नगर पालिका के। तिवारी जी की गवर्नमेंट में 2005 में दर्जा राज्य मंत्री, लघु उद्योग में आपको मंत्री बनाया गया और तमाम संगठन के पद, रावत जी के सरकार में आप महामंत्री रहे, जगह जगह पे आपने कांग्रेस को सुशोभित किया और आज जिस प्रकार से अचानक आप हम लोगों के बीच में से चले गए ये एक बड़ा दुर्भाग्य का विषय है और शायद आपके समक्ष शब्द कहने के लिए मेरे पास नहीं है कि किन शब्दों में अपने दुख की बात आपके समक्ष रखूँ। मतलब जो क्षति मानते हैं बहुत बड़ी क्षति है काशीपुर विधानसभा क्षेत्र के और जनपद उधम सिंह नगर के लिए। मेरा तो इनसे 84-85 संपर्क था और राजनीति की शुरुआत भी मैंने मुकेश जी के और केसी सिंह बाबा के साथ ही शुरुआत की थी। 89 में बाबा साहब यहाँ चेयरमैन बने थे और मैं वहाँ नगर पालिका का सभासद बना था। कहाँ? ठाकुर द्वारा में। उसके बाद मैं चेयरमैन बना, फिर आज MLA हूँ। लेकिन आज बहुत दुख की घड़ी है कि मुकेश जी जैसा हमारा सीनियर साथी हमारे बीच में नहीं रहा। मैं उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को और उनकी आत्मा को शांति दे। आज हमारे काशीपुर के बहुत ही सम्मान, बहुत ही सम्मानित व्यक्ति परमात्मा को प्यारे होते हैं मुकेश मल्होत्रा जी। तो उनका स्वभाव सबसे मिलनसार था, राजनीति से ऊपर उठ करके हमेशा बात करते थे और काशीपुर की सोच उनके दिमाग में भरी हुई थी। जब भी कभी मेरे से वो बात करते थे विकास के लिए तो यही कहते थे कि चीमा जी आपको परमात्मा ने हुक्म दिया है आपके हाथों काशीपुर का विकास होना है, आप इसको करते चलिए, हम आपके साथ हैं, ऐसा कहा करते थे। चाहे उनकी पार्टी कांग्रेस थी लेकिन मन से